चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम छोटा सा प्रोग्राम देखे थे, ठीक है, जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया था वो कुछ इस तरह से था। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज पहले बता दूं मैं एक बार फिर से, जाते नहीं स्टार्ट करने के पहले, और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है सारी चीज़ें मैं फिर से समझा दूँ एक बार। इसमें इस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल, जैसे अभी यहाँ पर डॉलर नेम है या फिर कोई भी वेरिएबल्स जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज पास करने वाले हैं, उसे हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जो कुछ डेटा को स्टोर कर सकता है, जो डेटा को रख सकता है, उसे हम लोग प्रॉपर्टी या फिर वेरिएबल बोलते हैं। ऐसी चीज़ें इस क्लास के अंदर, ऐसी चीज़ें जो कुछ न कुछ फंक्शनैलिटी करने वाली हैं, जो कुछ काम करने वाले हैं, उसे हम मेथड्स या फंक्शन बोलते हैं या फिर मेम्बर फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है, ये है हमारा क्या है, एक फंक्शन या मेथड है। और ये जो फंक्शन नाम की चीज़, इसे कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए रहते हैं, जो हम यूज नहीं कर सकते एज अ नेम कहीं पे भी, चाहे वो क्लास का नेम हो, चाहे वेरिएबल का नेम हो, चाहे फंक्शन का नेम हो, हम एज अ नेम नहीं यूज कर सकते उसे, क्योंकि उस कीवर्ड का कुछ ना कुछ इंटरनल मीनिंग होता है जो पहले से डिफाइंड होता है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ओवरराइड होती है, बट एटलीस्ट यहाँ पे नहीं, ठीक है। सो अभी तक तो नहीं। सो फंक्शन यहाँ पे कीवर्ड है जो इंडिकेट करता है इसके आगे लिखे हुए जो भी वर्ड रहेगा उस फंक्शन का नाम रहेगा, उसके बाद उस फंक्शन के नाम के बाद जो भी लिखा रहेगा उससे पता चलता है कि ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, फंक्शन का सिंबल है। जैसे पैरेंथेसिस यहाँ पे दिया हुआ है जिसे हम ये बोलते हैं, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। और यहाँ पे कर्ली ब्रेस उसका बॉडी पार्ट बोला जाता है, तो ये फंक्शन का बॉडी पार्ट हो गया। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो उसकी फंक्शनैलिटी होती है। अभी यहाँ पे हमने प्रिंट किया तो ये प्रिंटिंग की फंक्शनैलिटी कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, प्रिंटिंग की फंक्शनैलिटी कर रहा है। क्या ये वेरिएबल प्रिंट कर सकता है, मतलब क्या ये वेरिएबल किसी चीज़ को प्रिंट कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सिर्फ वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। लेकिन ये फंक्शन कुछ काम कर सकता है, वो काम क्या कर रहा है, वो प्रिंट करने का काम कर रहा है, समझ रहे हो आप, बहुत बढ़िया। सो जावा 3.0 यहाँ पे एक वैल्यू है, ये टेक्स्ट है, कैरेक्टर है जो डेटाबेस में या हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होने वाली है, लेकिन जिस मेमोरी के अंदर वो, जहाँ पे वो स्टोर होने वाली है उसे इंडिकेट करने वाला ये है, इस नेम रेफरेंस बोल सकते हैं, मतलब इसके थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जहाँ पे वो रखा जाएगा उसका एक नाम रख रहे हैं हम लोग, बट एक्चुअली मेमोरी का नाम नहीं होता, सिर्फ इस वैल्यू के लिए नाम रखा जा रहा है जिसको हम उसे एक्सेस कर सकें। नहीं तो हम मेमोरी में डाल दिए, लेट से कोई बॉक्स है, लेट से थाउजेंड्स ऑफ बॉक्स है आपके पास, आपने एक बॉक्स का नाम दिया ही नहीं है और सबके अंदर अलग अलग वैल्यू रख दिया, तब आपको लेके आना है उसमें से आलोक नाम का वैल्यू, कैसे लेके आओगे, आपने किसी का नाम ही नहीं दिया है, इज इट पॉसिबल। फिर आप ढूंढते बैठे सीक्वेंस से लेके के करके, इसलिए हम उसे नाम देते हैं। ओके, आई होप सो क्लियर होगा क्या है प्रॉपर्टीज, फंक्शंस क्या होते हैं, उसके नेमिंग कन्वेंशंस कैसे देने हैं, क्या नेम दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। इतना क्लियर है, उम्मीद है कभी नहीं बतानी पड़ेगी अगर आप लोग नहीं भूले तो। सो अब फिर से लास्ट वन, दिस कीवर्ड में फिर से एक बार इंडिकेट कर बता देना चाहता हूँ, ये जो सैम्पल कीवर्ड है, ये जो सैम्पल है, ये क्लास का नाम है, इसका हम लोग इसके अंदर जो कुछ भी है, जैसे अब ये दो चीज़ें हैं, इसे अगर मुझे यूज करना है इस क्लास के बाहर, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि इस क्लास के बाहर है, तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया। ये ओबीजे क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने वाला है। अगर मुझे इस सैंपल नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, उसके अंदर सैंपल नाम का जो क्लास है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी या फंक्शन है उसे एक्सेस करना है, तो मुझे इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, ओबीजे डॉट एरो, बाकी लैंग्वेज में यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में, यहाँ पे हम लोग डॉट एरो नहीं, सिर्फ डॉट यूज करते हैं, एरो पीएचपी के अंदर यूज करते हैं। एंड इवन यही चीज़ अगर मैं सी प्लस सी के साथ काम करूँ तो वहाँ पे पॉइंटर्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंटर्स नाम का, पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट करना किसी चीज़ को, जब हम पॉइंटर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं या रेफरेंस बनाते हैं, दैट टाइम मुझे एरो का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। और पीएचपी मोस्टली सी के बेस पे, कुछ चीज़ें सी की फंक्शनलिटी हैं, कुछ सी प्लस प्लस की, मतलब तो कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि क्यूब्स वगैरह भी डाल दिया तो कॉम्बिनेशन हो गया मोस्ट ऑफ द थिंग्स से। सो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, ये एरो का मतलब है कि इस सैंपल का जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि आप यहाँ पे है सैंपल, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी उसे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। मुझे आज के बाद कभी नहीं बताना पड़ेगा, राइट, ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये इसके थ्योरी को थोड़ा पढ़ो, यहाँ पे दिया है क्या यूज कर सकते हैं रिजर्व की। और देखिए क्या होता है, क्लास में कंटेन इट्स ओन कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड जिसे हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, एंड फंक्शन कॉल्ड मेथड्स, जो अभी तक मैंने बड़बड़ किया वही चीज़ें। ओके, द स्यूडो वेरिएबल्स डॉलर दिस, हम अब इसकी बात करें, दैट्स दिस 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 से बात कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड स्यूडो वेरिएबल्स,
क्या बोला जाता है, स्यूडो वेरिएबल्स इज अवेलेबल व्हेन मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम विद इन एन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। ओके, क्या बोल रहे हैं हम लोग, जब एक ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट से किसी चीज को हम लोग यूज करते हैं तो हमें डॉलर दिस का यूज करना पड़ता है। मतलब अभी हम लोग क्या है, इस सैंपल के अंदर थे, राइट, सॉरी सैंपल मतलब मेरे क्लास के अंदर सैंपल था ना, क्लास का ना, अब उसी कॉन्टेक्स्ट से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो उसके अंदर ही चीज़ों को यूज कर रहा हूँ, तब मुझे इंडिकेट करना पड़ता है कि इस क्लास की चीज़ें हैं, राइट। सो दिस इज अ रेफरेंस टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, यूजली द ऑब्जेक्ट टू विच द मेथड बिलोंग्स, बट पॉसिबली अनदर ऑब्जेक्ट इफ द मेथड इज कॉल्ड स्टैटिकली। देखिए जस्ट अ सेकेंड, सो यहाँ पे वही कंसेप्ट बता रहा है कि जनरली वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर वो फंक्शन बनाया गया है। तो दिस इनडायरेक्टली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो, जैसे अभी हमारे यहाँ सैंपल का ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बाहर बनाया है क्योंकि बाहर यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, लेकिन अगर उसी क्लास के अंदर उसकी ही प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो मुझे यूज करना पड़ता है दिस कीवर्ड। गुड, आई होप सो, दिस इज नथिंग बट इट्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, रेफरेंस वेरिएबल बोल सकते हो आप, रेफरेंस टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला, इफ द मेंशन मेथड इज नॉट स्टैटिक, मेथड इज कॉल्ड, अगर वो स्टैटिक मेथड ना हो तो। ओके, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट पीएचपी, ओके, एज अ पीएचपी 7 कॉलिंग नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिकली, कॉलिंग नॉन स्टैटिक मेथड, कोई ऐसा मेथड जो स्टैटिक नहीं है। अभी स्टैटिक वर्ड क्या है आपको अभी नहीं समझ रहा होगा, लेकिन हम डिस्कस करने वाले स्टैटिक वर्ड क्या है, स्टैटिक का मीनिंग क्या है। कॉलिंग नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिकली फ्रॉम एन इनकम्पैटिबल कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट इन दिस बिलोंग अनडिफाइंड इनसाइड द मेथड। मतलब क्या है, मैं कोई ऐसे मेथड या वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ जो स्टैटिक नहीं है, और कॉल किसके अंदर कर रहे हैं, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, जो चीज़ स्टैटिक नहीं है मैं उसे स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कॉल करूँगा तो ये अनडिफाइंड आने वाला है। मतलब क्योंकि हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, स्टैटिक का स्कोप अलग होता है और इंस्टेंस लेवल का स्कोप अलग होता है, दोनों का स्कोप अलग अलग होता है। जब स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं ये चीज़ समझाने वाला हूँ आपको, अभी आप इसे एज इट इज छोड़ सकते हो, नो डाउट, ठीक है। सो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल अभी बस बेसिक करते जाइए। सेकेंड एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, वी आर अज्यूमिंग दैट एरर रिपोर्टिंग इज डिसेबल्ड फॉर दिस एग्जाम्पल, अदरवाइज द फॉलोइंग कोड वुड ट्रिगर डेप्रिकेटेड एंड स्ट्रिक्ट नोटिस। ओके, ठीक है, हम लोग हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है पीएचपी का कॉन्फ़िगरेशन पीएचपी INI फाइल, आपको पता होगा वहाँ पे एरर जो होते हैं सारे डिसेबल्ड किए होते हैं, मतलब आपका कोई भी एरर आएगा तो दिखाई नहीं देगा, डायरेक्टली दिखाई नहीं देने वाला है अगर वो डिसेबल्ड है तो, ठीक है। सो अगर डिसेबल्ड है तो यहाँ पे एरर नहीं दिखाई देगा, नहीं तो यहाँ पे एरर आएगा ऐसा वो बता रहा है, और ये प्रोग्राम पे ध्यान देते हैं। फंक्शन फू बनाया मैंने, फंक्शन नाम का फू है, अब इसके अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं इफ इज सेट डॉलर दिस, अगर बना हुआ है ऐसा, जैसे हम लोग नॉर्मली पीएचपी के अंदर चेक करते थे सबमिट होने पे इज सेट नाम का फंक्शन कॉल करते थे, ठीक है, अगर वो सेट है तो हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, डॉलर दिस इज डिफाइंड, हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, इको डॉलर दिस इज डिफाइंड एंड ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कुछ और लिख रहे हैं। फिर हम लिख रहे हैं गेट अंडरस्कोर क्लास डॉलर दिस, अब इसका मतलब क्या हो रहा है सिंपली कि हम लोग डॉलर दिस नाम का जो कीवर्ड है जो हमें यूज करने के लिए मिला है, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो सिंपली जो डॉलर दिस नाम का है, क्या वो बना हुआ है, क्या वो बना है, क्या वो रेफरेंस कर रहा है किसी क्लास को, ठीक है, किसी क्लास को इंडिकेट कर रहा है क्या, अगर वो इंडिकेट कर रहा है, अगर वो सेट है, अगर वो एग्जिस्ट है, तो हम बोल रहे हैं कि डॉलर दिस इज डिफाइंड। अब किसको रेफरेंस कर रहा है, किस क्लास को इंडिकेट करना चाहता है वो, हम लोग इस फंक्शन के थ्रू कॉल चेक कर सकते हैं, गेट अंडरस्कोर क्लास, मैं क्लास का नेम रिट्राइव कर रहा हूँ, कौन सा क्लास का नेम रिट्राइव कर रहा हूँ, उसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर क्या कर रहा हूँ, डॉलर दिस, ठीक है, एंड मैं इसको इको किया स्लैश एन और इस पैरेंथेसिस को यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा, अगर ये डॉलर दिस हमारा एग्जिस्ट करता है बना हुआ है तो क्या देगा मुझे, ए, यहाँ पे देखो ए है, इस क्लास का नाम क्या है, ए, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, डॉलर दिस इज डिफाइंड, फिर ब्रैकेट्स आएगा, पैरेंथेसिस आएगा एंड सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा ए, ठीक है, एंड क्लोज हो जाएगा। एल्स डॉलर दिस इज नॉट डिफाइंड, अगर ये नहीं बनता है, ये अगर सेट नहीं है डॉलर दिस ऑब्जेक्ट, तो मुझे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अभी ये तो मैंने सिर्फ प्रिंट किया, चलो एक बार गेट क्लास का मैं यूज चेक कर लेता हूँ अपने, सेम यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन इफ के अंदर प्रिंट किया है और फंक्शन का नाम दिया है फू,
यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं गेट अंडरस्कोर क्लास, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर लगेगा जिसे हम बोलते हैं डॉलर दिस, जिसे हम बोलते हैं डॉलर दिस। ग्रेट, ये एरो नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे पास करते हैं सेमीकोलन और इसे हम लोग इको करवा देते हैं, ई सी एच ओ इको। बस इसे रन कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, राइट। रिफ्रेश करते हैं, लुक ये देखो सैम्पल प्रिंट हो गया, उसी क्लास का नाम है राइट, ये सैम्पल जो हम लोग बना रहे हैं। तो किसको रेफरेंस कर रहे हैं, हमारे इस क्लास को ही रेफरेंस कर रहे हैं। कितना सिंपल और क्लियर है, राइट। सो डॉलर दिस हर समय उस क्लास को इंडिकेट करता है जिसके अंदर वो रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके और भी कुछ टॉपिक्स जो अभी दिखाने वाला हूँ मैं। ओके, सेकेंड क्लास बनाया बी, फंक्शन बार लिया मैंने इस बार, और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस के अंदर लिख रहे क्या, ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फू। अब ये चीज़ समझने वाली, यहाँ पे हम लोग क्या पास करें, ए, ए क्या है हमारा ऊपर वाला क्लास है, ठीक है। अब स्कोप का हम लोग ये जो रेजोल्यूशन का ऑपरेटर हम लोग पास कर रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं फू। एक तो हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डॉलर दिस उसके अंदर चीज़ों एक्सेस किया जा सकता है। हम अगर ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं जिसे बोल रहे हैं स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं, उसकी उस क्लास के अंदर फंक्शन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। सो हम लोगों ने लिखा ए फू बार, ठीक है। अब इस बी क्लास के अंदर यूज हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग फू नहीं कॉल कर सकते थे, जैसे मैंने पहले देखा बार यूज नहीं हो सकता है विदाउट ऑब्जेक्ट। सो हम लोगों ने यहाँ पे ए स्कोप रेजोल्यूशन फू लिखा फू, जिसकी वजह से हम उसे लिख पा रहे क्योंकि वो वहाँ पे यूज कर रहे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की वजह से। बढ़िया, चलो। सो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया बी को भी। मेरे पास दो क्लास है ए एंड बी, एक के अंदर मैंने सिर्फ चेक कराया है कि दिस का रेफरेंस क्या है, एंड अब हम उसे कॉल करने जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले डॉलर ए नाम का वेरिएबल जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग ए का, यानी पहले क्लास का, ठीक है। अब हम कॉल क्या कर रहे हैं, फू, मतलब उसी क्लास के अंदर जो फंक्शन था फू नाम को उसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सैंपल में भी कॉल किया वो सब कुछ सेम है, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ए स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर एंड फू को कॉल कर रहे हैं, फिर से कॉल कर रहे हैं फू को ही, एक ऑब्जेक्ट के साथ एक विदाउट ऑब्जेक्ट। इस बार विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो अब यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब डॉलर बी का बनाया हम लोगों ने, फिर से न्यू बी बनाया मैंने। अब यहाँ पे लिखा मैंने डॉलर बी बार लिखा मैंने, क्योंकि इसके अंदर बार नाम का फंक्शन है जहाँ पे प्रिंट किया गया है ए स्कोप रेजोल्यूशन फू। अब यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं बी स्कोप रेजोल्यूशन बार। अब इसका आउटपुट देखो, पहला डॉलर दिस इज डिफाइंड ए, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे ए प्रिंट होएगा, इसका मतलब क्या है, ए प्रिंट होएगा, डॉलर दिस इज डिफाइंड एंड ए प्रिंट हो गया, ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर। सेकेंड वाला आंसर देखिए, डॉलर दिस इज नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बोला डॉलर दिस का मतलब क्या है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट सेम रेफरेंस कर रहा है। तो है? ये जो हम लोगों ने यहाँ तक ऊपर बनाया ना उसका, ये पूरे क्लास का यहाँ से लेके दो क्लास, दो क्लास से दो के दोनों के क्लास, दो के दोनों क्लास का आउटपुट एक साथ दिया उसने, वो एक ही प्रोग्राम है जिसके अंदर दो क्लास है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है गेट अंडरस्कोर क्लास डॉलर दिस है, यहाँ पे मिला, क्यों मिला, इसका रीजन ये है कि इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू लिख के, ऑब्जेक्ट तभी बनता है जब हम न्यू लिखते हैं, तभी इस डॉलर दिस के अंदर वैल्यू आए, इस डॉलर दिस के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, पास होगा, नहीं तो पास नहीं होगा, तो ब्लैंक रहेगा। फिर से बोले, यहाँ पे देखो, अभी हम लिखा है डॉलर ए न्यू ए, ऑब्जेक्ट बना राइट, ऑब्जेक्ट बना तो मतलब उस डॉलर दिस नाम का जो कीवर्ड था, सीडो वेरिएबल जो था, उसके अंदर वैल्यू पास हुआ, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा उसके अंदर डॉलर दिस के अंदर, इस ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, इसका ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा उसके अंदर, समझे। अगर ये नहीं बनेगा तो पास भी नहीं होगा। हमने कॉल किया डॉलर फू, डॉलर ए एरो फू, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट था इसलिए उस वहां पे आ गया ए इज डिफाइंड, राइट। और डॉलर दिस का क्लास का नाम भी दे दिया उसने, पहला आउटपुट जो कि है ये वाला, ठीक है।
लेकिन इस बार देखिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फू। इस बार मैंने फंक्शन कॉल किया लेकिन ऑपरेट के थ्रू नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट क्लास के नाम से कर दिया। जब आप क्लास के नाम से किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता है, उसके अंदर का फंक्शन तो आप कॉल कर लोगे, उससे प्रॉपर्टीज को भी यूज कर लोगे, लेकिन उसका इंस्टेंस नहीं बनता है। ठीक है, इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो डॉलर दिस के अंदर वेरिएबल जाएगा, वैल्यू जाएगा ही नहीं, और जब वैल्यू जाएगा नहीं तो मुझे कुछ इस तरह का मैसेज आएगा डॉलर दिस इज नॉट डिफाइंड। समझ गया कॉन्सेप्ट कैसे आया ये? गुड, नेक्स्ट देखो डॉलर दिस इज डिफाइंड बी, क्या लिखा है डॉलर दिस इज डिफाइंड बी। अब सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए भी, क्लास बी फंक्शन, हाँ बार को कॉल किया तो फंक्शन कौन सा कॉल किया है, ऊपर वाला एक कॉलन बार के अंदर, तो अब उसके अंदर डॉलर दिस यूज किया गया है, तो यहाँ पे जब इस क्लास के अंदर कॉल किया गया तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट चला गया, क्योंकि इसका इंस्टेंस बना ना। डॉलर दिस ऊपर लिखा गया है या नीचे लिखा है फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कहीं लिखा गया क्या फंक्शन इज नॉट डिफाइंड या डिफाइंड डॉलर दिस, कहीं भी यूज नहीं किया है, लेकिन इस फू फंक्शन के अंदर तो है ना। ये देखो फू फंक्शन के अंदर इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन जब ये कॉल कर दी गई इस क्लास के अंदर, इस बार क्लास के फंक्शन के अंदर जो कि बार है इस क्लास बी क्लास के अंदर, समझे, तो क्या हो गया सिंपली हमारा कि ये जो डॉलर दिस अभी तक इसको इस क्लास को इंडिकेट कर रहा था, अब बी में आने की वजह से इस बी को इंडिकेट करेगा वो। ठीक है, तो इसलिए जब बी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने तो बी का ऑब्जेक्ट जो है चला गया डॉलर दिस के अंदर, और डॉलर दिस के अंदर गया तो यहाँ पे लिख के आ गया फू वाला पूरा फंक्शन हुआ, और उसके अंदर डॉलर दिस के अंदर वैल्यू भी चली गई, इसलिए आ गया बी इज डिफाइंड, मतलब दिस इज डिफाइंड एंड उसका क्लास का नाम आ गया बी। देखिए देखो इस बार बी आया, दिस इज डिफाइंड एंड क्लास का नाम बी। थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जरूर है, बट यही है, ऐसा ही सीखना है इसे। लास्ट वन दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे भी उसने वही किया है, बी को डायरेक्टली बी के थ्रू डायरेक्ट बार को कॉल कर लिया, जब बी के थ्रू डायरेक्टली बार को कॉल किया उसने तो इंस्टेंस बना नहीं, एफ यू जो हमने कॉल किया फंक्शन को उसके अंदर वेरिएबल, उस डॉलर दिस के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू गया ही नहीं, तो पूरा ब्लैंक रह गया और इसलिए आ गया अनडिफाइंड। ये था थोड़ा प्रोग्राम बड़ा, ऑब्वियसली देखिए ये कुछ इस तरह से है, मैं अगर मैं पेंट ले लूँ तो समझा सकता हूँ और अच्छा, लेकिन मैं एक बार पहले विदाउट पेंट के भी ट्राई कर लेता हूँ। ये फंक्शन है, फंक्शन की फंक्शनलिटी क्या होती है, कुछ कहीं पे भी कॉल किया जा सकता है, उसमें जो कुछ भी काम किया गया रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, कहीं यहाँ कहीं दूसरे क्लास में कहीं तीसरे क्लास में, इसलिए तो फंक्शन बनाया जाता है। तो बंदे ने जब यहाँ पे फू नाम का फंक्शन बनाया है जो प्रिंट करने वाला है कि दिस, ये जो दिस कीवर्ड है वो डिफाइंड है कि नहीं है, तो बंदा वापस यहाँ पे लिख के उसको कुछ फ़ायदा है क्या, उसने वही ऊपर वाले को कॉल कर लिया, समझे, वो चाहता तो फिर से ये सारी चीज़ें लिखता था इफ सेट वगैरह, लेकिन जब इस फंक्शन के अंदर इफ वगैरह लिखा गया तो फिर से क्यों लिखना। उसने क्या किया, ए का नाम लिया, बोलता है मैं आपकी चीज़ों को यूज करने जा रहा हूँ अपने क्लास के अंदर। अभी मैं लेट्स अज्यूम सिंपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ का एग्जांपल, मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का काम क्या होता है, डेटा स्टोर करना, शेयर करना, ऐसी सारी चीज़ें। आपका पेन ड्राइव है, आप एक क्लास को समझ लो, आपका पेन ड्राइव है जो आप डेटा शेयर कर सकता है, और मैं आपका पड़ोसी हूँ, तो क्या ज़रूरी है कि मैं फिर से जाऊँ एक नया पेन ड्राइव खरीदूँ, मैं फिर से उसके अंदर डेटा रखूँ और फिर यूज करूँ, मैं आपका यूज कर सकता हूँ ना, डेटा दोनों का अलग अलग रहने वाला है। आप अपना डेटा शेयर करोगे, आप अपना डेटा रखोगे, अपना डेटा ट्रांसफ़र करोगे, कुछ भी करना है ऑपरेशन करोगे, और मैं अपना रखूँगा, अपना काम करूँगा। तो यहाँ पर डेटा कौन सा है हमारा, ये डॉलर दिस जो है ना, ये डेटा है। तो इसने जब इस फू को यूज किया तो अपना दिस डाल के यूज किया, ठीक है, लेकिन वेरिएबल तो वही है, पेन ड्राइव वही है, फंक्शन वही है, फंक्शन यानी पेन ड्राइव बात एक ही है। सेम चीज़ बी वाले ने ऊपर वाले का यूज कर लिया, लेकिन इसमें जब यूज किया उसने फू तो अपना दिस यूज करेगा, ना कि ऊपर वाले का दिस, समझे, ये समझा। तो दिस किसका इस बार है, इस बी का दिस है, ना कि ऊपर वाले का दिस है। तो हर क्लास के लिए दिस कीवर्ड डिफाइंड है, हर एक क्लास का दिस रहता ही है, तो इसने अपना दिस यहाँ पे डाला। जब चेक होगा तो ए वाला दिस नहीं चेक हो रहा है, मतलब ये वाला दिस नहीं चेक होगा, ये वाला दिस चेक होगा, बी का दिस। इसलिए यहाँ पे उसने जब ऑब्जेक्ट बनाया डॉलर बी न्यू बी, और जब उसने कॉल किया बार को, तो ऊपर पूरा मैसेज तो प्रिंट हो रहा है,
ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, दिस इज डिफाइंड, और यहाँ पे लिखा है गेट क्लास अंडर गेट अंडरस्कोर क्लास दिस। पहला वाला फंक्शन कौन कॉल किया गया तो ए आया, ठीक है, लेकिन जब यही चीज बी के अंदर कॉल किया गया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है, बी, मतलब जो दिस था अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट किसका गया है, बी का गया है, समझे। फंक्शन वही है, दोनों यूज कर रहे हैं, बट उसका ऑब्जेक्ट जो है चेंज हो जा रहा है ऑटोमेटिक, दिस के अंदर अलग अलग वैल्यू जा रहे हैं, क्योंकि दिस तो इसमें भी है उसमें भी है, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, अपने क्लास वाली जाएगी ना, समझे, जिसके अंदर यूज किया गया है। तो इस तरह से इस बी, इस जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे दिस के अंदर बी का वैल्यू जाने वाला है, यानी बी को इंडिकेट करेगा दिस, और अगर ए के साथ ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए को इंडिकेट करेगा दिस, समझे। ये है फंक्शन रीयूजबिलिटी भी, देखो एक ही फंक्शन को हम दो बार यूज कर रहे हैं, वैल्यू दोनों का अलग अलग है। प्रिंट तो मुझे करना था यार बी का ही वैल्यू ना, लेकिन इस बार वैल्यू दोनों का अलग है, और जो कॉमन था वो एज इट इज प्रिंट हो गया, समझे। बहुत 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 अच्छी चीज़ होती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे तब उसका यूज आपको पता चलेगा, तब उसे सही से यूज करो। पीएचपी के अंदर आप जो इतना लेंदी प्रोसेस बनाते हो, एक ही चीज़ को बार बार लिखते हो समटाइम, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए आप बहुत बार हर पेज पे इंसर्ट अपडेट डिलीट, हर बार आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करते ही हो, राइट। उसके लिए आप अलग अलग फंक्शन बना के वैल्यू पास करो, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, नो डाउट। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सो ये पूरा ओवरऑल जो इतनी देर का डिस्कशन था उसमें बस ये बता रहा था कि जो दिस कीवर्ड है वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट ही है, और वो ऑब्जेक्ट हर समय उसी क्लास को इंडिकेट करती है जिस क्लास के अंदर वो यूज की जाएगी या कॉल की जाएगी या यूज किया जाएगा, सिंपली, ठीक है। जैसे अभी बी के अंदर यूज किया गया तो बी को ऑब्जेक्ट रेफरेंस कर रही है, और अगर ए के अंदर यूज किया गया दिस तो ए को रेफरेंस कर रही है, कितना बढ़िया और सिंपल है। उम्मीद है थोड़ा बहुत क्या पूरा समझोगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। दो चीज़ें सीखने को मिला कि दिस कीवर्ड का क्या यूज है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो दिस के अंदर वैल्यू जाएगा नहीं, ऑब्जेक्ट बनेगा तभी दिस के अंदर वैल्यू जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आता है, जब मैं दिस को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, बार को फंक्शन को कॉल किया तो इनडायरेक्टली क्या होता है, जब बी डॉट बार कॉल करते हैं तो बी डॉट बार कॉल हुआ तो उसके अंदर फू कॉल होगा, जब फू कॉल होगा तो उसको ये फंक्शन मिलेगा, इस फंक्शन के अंदर देखेगा दिस, जब दिस देखेगा तो ऑब्जेक्ट बना नहीं, उसके अंदर वैल्यू आया नहीं, इसलिए अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, समझ में आया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में आई होप इसके आगे का हम देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए उसमें, आप पता नहीं कितने बड़े सीरीज जाएगी इसकी। दैट्स ऑल।